2021 की थिएटर्स में मैंने जितनी भी फिल्में देखी, ज़्यादा मैंने 5 या 6 फिल्में देखी होगी सारी लैंग्वेजेस मिलाकर। 2021 की थिएटर्स में मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी उसमें से सबसे बेस्ट फिल्म, और 2021 की सिर्फ हिंदी की मैं बात करूँ, सिर्फ हिंदी की, तो मेरे को ये 3rd और 4th बेस्ट फिल्म लगी। बेस्ट भाई साहब, जिस दिन ट्रेलर देखा था उस दिन से मैंने एक भी रिव्यू, एक भी चीज़ इस फिल्म के ऑन बिहाफ मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेलर ज़बरदस्त लगी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था। श्योर इसलिए नहीं था क्योंकि सलमान खान ने लास्ट 2-3 फिल्मों में हग कर रखा हुआ है, हगा हुआ है। तो मैंने ये प्लान किया था कि नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं इतना तारीफ़ के साथ 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं सोचा था, लेकिन मैंने नहीं 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 मैं रिस्क नहीं ले सकता। जिस दिन मूवी आएगी उसके बाद ही जज करेंगे इस मूवी को। एंड भाई साहब, दिस मूवी इज़ बवाल, ब्लास्टिंग, बम ब्लास्ट, हाइड्रोजन बम, एटम बम, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं इस टाइप की फिल्में मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मेरे व्यूअर्स को मैक्सिमम पता है, जो बहुत साल पहले से है मेरे सब्सक्राइबर्स है, उनको पता हो कि ये मार धाड़ ये सब फिल्में मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। लेकिन भाई इसमें मार धाड़ के अलावा इमोशंस इतने हैं ना, इतने इमोशंस हैं ना, एक साउथ की जो कंट क्लासिक फिल्म होती है ना, कंटेंट वाली, मार धाड़ है लेकिन कंटेंट वाली, स्टोरी के साथ प्यारी फिल्म। और जैसा मैं विलन चाहता हूँ एक मूवी में ना, मैं हमेशा एक विलन को देखने जाता हूँ पहले, क्योंकि मेरे को विलन बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। विलन्स मेरे फेवरेट है, मोर देन हीरो। हीरो कोई भी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो, अक्षय कुमार, कोई भी हो, मेरे को, मैं पहला फोकस रखता हूँ विलन के ऊपर कि विलन दमदार है तो भाई मतलब है भाई मूवी में दम है। इसलिए मैंने राधे मूवी में भी रणदीप हुड्डा का मैंने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया, क्योंकि मुझे पता था मूवी कितनी भी हगू हो वो बंदे ने जबरदस्त काम किया उस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म में भाई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ज़िंदगी में मुझे पहला बार ऐसा फील हुआ कि सलमान खान ने किसी प्रोडक्ट को बॉलीवुड में वो लेकर आया, उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट एक्चुअली में पोटेंशियल प्रोडक्ट लगा, क्योंकि बाकी जितना भी प्रोडक्ट सलमान खान लेकर आया, ये पहला प्रोडक्ट मुझे लगा कि भाई है पोटेंशियल है भाई इस बंदे में। मतलब भाई वो बंदा ना प्यार हो जाता है उससे जब फिल्म ख़त्म होता है ना, पूरी मूवी में वो एक्चुअली एक डेडलीस्ट विलन का कैरेक्टर प्ले करता है, और जिस विलन से आपको प्यार हो जाता है, दैट्स इट भाई, उस बंदे ने मतलब परफॉर्मेंस में अपने सारे हद को तोड़ दिया। एंड मूवी की स्टोरी देखा जाए, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्टोरी तो मैं बताऊंगा नहीं, कैच कर रखती है। और मूवी की सबसे खास चीज़ ये है कि अगर एक सेकंड भी ना वो थिएटर से अपना आँख हटा लो ना, नाम बदल दूंगा। इवन वलुषा का वो डांस आता है वो मराठी सॉन्ग में, वो सॉन्ग में भी आप अपना आँख नहीं हटा पाओगे। मतलब कैची है भाई, हर चीज़ कैची है, स्क्रीन प्ले, कलर ग्राइंडिंग, स्टोरी, एक्टिंग, सब चीज़ कैची है। और बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान वॉज गुड इनफ, गुड टू वेरी गुड बोल सकते हैं। बड़ा लेंथी रोल है, 1 घंटे का ऊपर का रोल, 1.5 घंटे का ऊपर का रोल है, मतलब लगभग मूवी में सलमान खान है यार, है। और मूवी की सबसे बेस्ट पॉइंटिंग है इसका क्लाइमैक्स जब देखोगे, मतलब मैं ऐसा था, मौका ये क्या हो गया भाई, ये क्या था, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं 70% ऑफ द मूवीज़ का क्लाइमैक्स पकड़ लेता हूँ क्या होने वाला है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था जो क्लाइमैक्स में होने वाला है। ये मूवी जब जाकर देखोगे, जब क्लाइमैक्स आएगी तब मुझे याद करोगे, क्योंकि क्लाइमैक्स ऐसा है ना कि सोच भी नहीं सकता, एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा आदमी। मुझे भी लगा हाँ ओके हैप्पी एंडिंग है भाई, ठीक है चलो, लेकिन एक सेकंड में कुछ ऐसा होता है क्लाइमैक्स में कि भाई सबका मुंह खुला का खुला रह जाए। दैट वॉज द परफेक्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म, क्योंकि सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाता था तो मेरे को ये मूवी ठीक है अच्छी है बोलता था, लेकिन वो क्लाइमैक्स के वजह से, क्योंकि वो होना चाहिए था, वो मैंडेटरी था इस फिल्म के लिए, वो होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था वो आप खुद जाकर मूवी में देख लो, लेकिन वो मैंडेटरी होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी भाई साहब क्या मूवी है, भाई क्या मूवी है, मतलब ना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख सकते हैं। कंपल्सरी वॉच मैं फिर से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा कंपल्सरी वॉच आइकॉनिक मास्टरपीस एंड एक्सक्लूसिव मूवी होती है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, माइंड फ्रेश करना है, मज़ा करना है,
गलती से अगर सत्ते में जाते देख लिया हो तो जा सकते, क्योंकि वो जो पैंडेमिक उसने मेरे को कल दिया था वो भी मैं वो देखने गया ही नहीं था, मैं तो जाता ही नहीं हूँ देखने के लिए, ट्रेलर से पता लग गया था कितनी भंकस फिल्म है वो, लेकिन मैं देखने यही गया था, गलती से मैंने वो देख लिया कल, क्योंकि मेरे को इसका टिकट नहीं मिला और ये आज रिलीज़ था, मुझे पता नहीं था ये बात। भाई देखो यार, देखो सच में देखो, सलमान खान के लिए अगर देखते हो तो सलमान खान का रोल ठीक ठाक अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, सलमान द सलमान खान नहीं है वो, बट अच्छा है यार, मेरे को बहुत कम लगा जो बाकी मूवी में हगता है, वो हगा है उसने लास्ट 2-3 मूवीज़ में, वो हग्गू तो इस मूवी में है ही नहीं, ही इज़ क्लियर कट, ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, बट आयुष शर्मा इज़ लेजेंड, ही इज़ द आइकॉन ऑफ द फिल्म, मतलब भाई, मतलब बंदे को जाकर मैंने फॉलो भी किया है, मैं बहुत रेयर ऐसा एक्ट्रेस हो जिसको मैं, जिसकी मूवीज़ देखने के बाद मैं जाकर फॉलो करता हूँ, मतलब यार दिल दुख गया यार, जब पहली बार बंदे को देखा था मैंने भी बोला ये क्या यार नेपोटिज्म, क्या घटिया घटिया एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहा है सलमान खान, बट यार द मैन हैज़ प्रूव्ड मी रॉन्ग, द मैन हैज़ प्रूव्ड द वर्ल्ड रॉन्ग, ही इज़ एक्चुअली, ही इज़ हैविंग पोटेंशियल, वो एक्चुअल में बन सकता है भाई, है दम है बंदे में, मतलब वो पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप दोबारा 2 या 3 बार देख सकते हो। मैंने प्लान किया कि मैं ये दूसरी बार देखूंगा अगर टाइम मिला तो संडे के दिन, लेकिन देखूंगा देखूंगा पर, और मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी सजेस्ट किया है, सो वन टाइम वॉचेबल है भाई, देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं, फैमिली के साथ जा कर देख कर धमाका कर सकते हैं, इसमें मतलब सब कुछ है, सब कुछ है, गाने से लेकर ब्लास्ट से लेकर वो बैकग्राउंड म्यूज़िक, भाई 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 भाई, और वो लास्ट सीन जब दोनों आ जाते हैं सलमान खान एंड आयुष शर्मा दोनों एक साथ होकर, जो भी है वो आप तो आप लोग जाकर देख लेना, दिस मूवी इज़ एक्चुअली वॉचेबल फिल्म, बढ़िया फिल्म है, ज़रूर देख सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवी 100 करोड़ डिजर्व करती है, अगर सूर्यवंशी 180 कर सकती है तो ये 100 तो कर ही सकती है, बिकॉज सूर्यवंशी वर्सेस ये, इवन दो सलमान खान का इसमें कुछ रोल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन 1 घंटा स्क्रीन टाइम है, रोल कुछ नहीं है, रोल उनका उतना नहीं है, सेकंड लीड पकड़ सकते हैं उनको, लेकिन फिर भी ये सूर्यवंशी से 3 गुना बेटर है टू बी ऑनेस्ट, तो आप मैंने सूर्यवंशी को ही अच्छा बोला तो समझ लो ये कितनी अच्छी फिल्म होगी, अगर देख सकते हैं भाई देख सकते हैं, ये किसी का रीमेक है इसलिए मैंने ज़्यादा इसको पॉइंट्स उतना दिया नहीं, रीमेक फिल्म को मैं कंसिडर नहीं करता, लेकिन फिर भी एज अ हिंदी फिल्म को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट ब्लास्टर एंटरटेनमेंट फिल्म है वो, 2 घंटे वो 2.5 घंटे अगर आप बोर हो गए मेरा नाम बदल लेता, तो रिव्यू से लगाओ तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।